एप्पल इस कोर्ट ऑर्डर के पैरा नंबर 3 में वो लिखते हैं कि हम रिलीफ दे देते, लेकिन मौजूदा जो पिटिशनर है यानी इमरान खान साहब, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। वो पहले कई मरतबा अदालत में पेश होने का कह चुके हैं, अब अंडरटेकिंग दे भी रहे हैं, लेकिन चूंकि ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, इस वजह से आज ये रिलीफ नहीं दिया गया। पैराग्राफ नंबर 7 में कोर्ट लिखती है, वो कहते हैं जी कि आज जो कुछ हुआ ये एक बहुत ही सैड दिन था, बहुत ही दुख हुआ कि आज क्या हुआ है लाहौर के अंदर। लेकिन इसमें साथ साथ वो बात कहते हैं, इट वुड नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू ऑब्जर्व दैट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रिवेलिंग इन लाहौर इज अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर वेयर द स्टेट इज बीइंग प्रिवेंटेड टू कैरी आउट इट्स ऑब्लिगेशन फॉर कंप्लाइंग विद द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। सच डिफाइंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सेप्टेबल in any civilized society and the law needs to be adhered to by the citizen of any country in general and persons in helm of the affair particularly. The phrase rule of law is not a rhetoric and has different connotations including obedience to law and any defiance thereof naturally has consequences because law of the land has to be and should prevail at all costs. इस पे बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के अंदर आपकी जो वारंट है उसको बरकरार रखा गया और काफी आपने पढ़ लिया होगा, अदालत खुश नहीं है, कहते हैं जी कि आप पहले भी गारंटी देते हैं, अंडरटेकिंग दी, पेश नहीं हुए, इस वजह से शायद आपको आज रिलीफ मिल नहीं पाया अदालत की जानिब से। देखिए, हम भी खुश नहीं हैं। जो पुलिस का रवैया अपनाया गया, जो इस्लामाबाद से पुलिस आई, मैं आपको दयानतदारी से कह रहा हूं, डीआईजी ऑपरेशंस जो वहां तशरीफ लाए, मैं खुद उनके पास गया, मैंने इस नीयत से गया कि एक एमिकेबल रास्ता निकाला जाए और वहां जो तशद्दुद हो रहा है उसको बंद किया जाए और जो उनकी जो तामील करवाने आए हैं उसको हम फैसिलिटेट कर सके। मुझे डर यह था कि जिस तरह पुलिस वहां आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही थी, केमिकल्स उसमें थे, लाठी चार्ज हो रहा था, जानी नुकसान ना हो जाए। 8 मार्च को हमने देखा कि इसी जगह पे, इसी सड़क पर जिले शाह की शहादत हुई, तो मैं इस खौफ में था कि कहीं और बेगुनाह लोग मुतासर ना हो। मैंने जाके बात की डीआईजी साहब से और हमारी एक अंडरस्टैंडिंग तय हुई। अंडरस्टैंडिंग ये तय हुई कि मैं जाऊंगा और जो तामील करवाने आए हैं मैं इमरान खान साहब से बात करता हूं और आप सीज फायर कीजिए और मैं उनसे मशावरत करके फिर आता हूं और हम कोई रास्ता निकालते हैं। उन्होंने मुझे अश्योरेंस दी, मैं अंदर गया, जमान पार्क पे गया, मैं चेयरमैन साहब से गुफ्तगू कर रहा था, अभी मेरी गुफ्तगू का आगाज ही हुआ था तो इन्होंने शेलिंग शुरू कर दी और हमारे घर के अंदर यानी कि जमान पार्क के अंदर लॉन में शेल गिरने शुरू हो गए और एक अफरा तफरी फैल गई। वो अगर इस किस्म की प्रोवोकेशन जो पुलिस है वो न करती तो शायद जो बाद में आपने वाकयात देखे वो रूनुमा न होते। मैं आपकी फुटेज मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मैं डीआईजी साहब से एंगेज करने से पहले मैंने मीडिया को अपना नुक्ता नजर पेश किया, कारकुनान को कहा वो पुरमन रहे और उनसे बात करने गया। सही, सितम जरीफी देखिए, मैं हूं लाहौर में और मुझे पता चला है कि इस्लामाबाद में कुछ वाकयात जो होते हैं उन पर्चों में मेरा जिक्र आ गया, मुझ पर नए पर्चे आ रहे हैं। चले, आप पे भी पर्चे हो गए, माशाल्लाह, आप भी उस लीग क्लब में आ गए। लेकिन एक और बात, अभी आज जो ऑडियो लीक आई है उसमें यास्मीन राशिद साहिबा की, क्या ये राय तकसीम थी? क्योंकि जैसे जैसे ये ऑपरेशन बढ़ता जा रहा था ये डिले हो रहा था कि भाई खान साहब को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए, क्योंकि उसमें मेंशन किया है यास्मीन साहिबा ने कि खून खराबा ज्यादा हो तो शायद हम खान साहब से बात करें कि वो गिरफ्तारी दे दें। ये राय क्या स्प्लिट थी उस वक्त के खान साहब को गिरफ्तारी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, जब मैं डीआईजी साहब के पास गया तो मैं यही उनसे एंगेज करने का मकसद ये था कि उनसे पूछूं उनके अहकाम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं मामलात को सुलझाने के लिए। बदकिस्मती से उन्होंने मौका ही नहीं दिया। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इमरान खान साहब एक प्रोटेक्टिव बेल के कवर और अम्ब्रेला के अंदर हैं,
ठीक है, जब प्रोटेक्टिव बेल मौजूद है तो फिर इस वारंट का कोई जवाब नहीं बनता। सर, वो कंफ्यूजन थी सर, वो तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में साफ साफ लिख दिया कि वो वारंट बरकरार है। पता नहीं आपके वकला आपको ये इम्प्रेशन दे रहे थे, पर वो प्रोटेक्टिव बेल थी नहीं। देखिए वारंट क्या था कि हमने अदालत में 18 तारीख को पेश होना है। जब हम ये अश्योरेंस दे रहे थे और देने को तैयार हैं कि हम 18 को पेश हो जाएंगे, हमें एतराज क्या था? हमें एतराज सिर्फ एक था कि हमें एक सिक्योरिटी की ऐसी एनवायरमेंट दे दी जाए जिससे कि जो हमारे खदशात हैं वो दूर हो जाएं। आपके इल्म में है कि पहले एक वाकया हो चुका है, अल्लाह ने करम कर लिया कि मतलब है कि अल्लाह ने इमरान खान की जान महफूज रखी, लेकिन वहां नुकसान तो हुआ, आपके सामने है। अब उस खदशे को दूर कर दे, और हमने तजावीज पेश की। सही, मैं ऑन रिकॉर्ड हूं कि मैंने चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में खत अरसाल किया कि देखिए सिक्योरिटी सिचुएशन है, अब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसका सहारा लेकर हम जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं उनकी तामील भी कर सकते हैं और जो हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस भी कर सकते हैं। तो हमने तो हर रास्ता तलाश करने की कोशिश की सर, लेकिन इसको भी एड्रेस किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। सर, वो कहते हैं कि लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर जो है उनकी तरफ से बड़ा अच्छा जेस्चर है ये जो अंडरटेकिंग वाला, बट कीपिंग इन व्यू द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द पिटिशनर द सेम इज डिफिकल्ट टू बिलीव। सर, सो चूंकि आखिरी मरतबा भी मौका दिया गया, आप पेश नहीं हुए, तो ये अदालत ने लिखा है अपने फैसले के, तो वहीं से पढ़ रही हूं, इस वजह से भी शायद आपको आज रिलीफ नहीं मिला। आप देखिए, बिल्कुल अदालत ने लिखा है, आप जो फरमा रही हैं मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन देखिए ऑनरेबल कोर्ट को यह भी देखना है कि हम इनकार नहीं कर रहे, हम सरे हम तस्लीम हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी दे दो, हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस कर दो, हम हाजिर होने के लिए तैयार हैं, पेश होने के लिए तैयार हैं। हमने इनकार कब किया है? इनकार कब किया? अब सिक्योरिटी किसने देनी है? इस्लामाबाद की पुलिस ने देनी है, पंजाब की पुलिस ने देनी है, अब खुद कह रही है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कह रही है कि हाई अलर्ट है, इमरान खान की जान खतरे में है। कौन कह रहे हैं? राणा सनाउल्ला कह रहे हैं। जब वो खुद कह रहे हैं और हम सिक्योरिटी की तलब कर रहे हैं, उसकी हम उसका मुतालबा कर रहे हैं, हमें सिक्योरिटी नहीं दी जाती, हमें एक सेफ एनवायरमेंट नहीं दी जाती, तो फिर क्या करें? तो शाह साहब, ठीक है, अब इस वक्त ये जो मामला है अब आपके और अदालत के दरमियान है, कल जाहिर सी बात है जो ट्रायल कोर्ट की तरफ वापस आपको लौटा दिया गया है, ये अंडरटेकिंग वहां सबमिट होगी, अब अदालत आगे इस हवाले से फैसला करेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने कल सुबह तक आप लोगों के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया है, सो अब आप कानून का और आपका और अदालत का इसमें मामला है, पुलिस फिलहाल जो है वो साइड पे है। एक और जो चीज सामने आई शाह साहब, आज ये जो पेट्रोल बम के हवाले से गुफ्तगु चुके यास्मीन राशिद साहिबा ने खुद भी की है, इसलिए ये सवाल बनता है, पहले एक वीडियो चल रही थी उसके बारे में कहा जा रहा था जी फेक है, ये ठीक नहीं है, लेकिन अब चूंकि एडमिशन हो गया कि जी पेट्रोल बम की वजह से एक क्राइसिस सिचुएशन बन सकती है, तो सर ये तो चीज बड़ी खतरनाक है, ये तो कोई पार्टल पे एक कोई पॉलिसी हो या कोई बैठकर तय करना हो कि भाई ये नहीं करना हमारे वर्कर्स ने। देखिए अपना मैं आपको अर्ज कर दूं मारिया जी कि हमारी पॉलिसी बड़ी वाजह है और इमरान खान ने वाजह हिदायत दी थी और उसी हिदायत को सामने रखते हुए मैंने आके मीडिया से गुफ्तगू की। क्या है हमारी पॉलिसी? आपने कानून को हाथ में नहीं लेना, अगर आपको कोई इश्तियाल दिलवाता भी है तो आपने प्रोवोक नहीं होना, क्योंकि हमें खदशा है कि ये जो लोग आए हैं इनका एक एजेंडा है। इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा है कि या खून खराबा हो, कुछ लाशें गिरें और उसकी आड़ में इंतखाबात से फरार, ये तो इंतखाबात से फरार चाहते हैं और हम उनको मौका नहीं देना चाहते। तो पार्टी पॉलिसी बिल्कुल है नॉन वायलेंस की और कानून को हाथ में न लेने की। आपने देखा कि मैंने खुद वर्कर्स को हिदायत दी, इमरान खान साहब तो कह रहे हैं सर, लेकिन बहरहाल फिर ये पेट्रोल बम वाली जिक्र तो खुद ही यास्मीन राशिद साहिबा की वीडियो में, इसका मतलब कि वो एग्जिस्ट करते थे ना, तो या लोगों तक पहुंच नहीं रहा पैगाम या फिर पता नहीं स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए। पहुंचे हैं, देखिए मोहतरमा आप देखिए कि जब एक डिजाइन होता है ना तो उस इतने बड़े मजमे में चंद लोगों को वहां पहुंचा देना जो वहां खराबी करें, वहां मतलब है एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करें, तो हुकूमतों का बाएं हाथ का काम है। ये हमारी तारीख भरी हुई है, जलसों में सांप छुड़वा देना, पानी लगा देना, अपना गाली गलौज करवा के लोगों को आपस में उलझा देना, ये कोई नई बात नहीं है। खुदा जाने कौन थे, खुदा जाने वो क्या हरकतें कर रहे थे। वॉट
माई अंडरस्टैंडिंग इज डॉक्टर यास्मीन साहिबा को यह खदशा था कि अगर ये चीज हो रही है, न जाने कौन कर रहा है, इससे कि खून खराबा हो सकता है जो हमारी पॉलिसी के बरक्स है। वो कहीं ना वो ये भी कह रही थी कि जी अगर ये इसको रोकने के लिए शायद गिरफ्तारी भी देनी पड़े। बहरहाल अब आगे सूरत हाल कैसे इससे आगे निकलेंगे सर, क्योंकि अपेरेंटली शायद आपको 18 तारीख को इमरान खान साहब को अदालत में पेश होना पड़े। अब उससे पहले आपने सिक्योरिटी के कंसर्न्स वगैरह एड्रेस करने हैं, ये सारे इश्यूज तो हैं, लेकिन बजाय लगता है कि अदालत में पेश होना पड़ेगा, तभी आप लोगों की ये आगे थोड़ी सी राह हमवार होगी, आपकी मुश्किल आसान होगी। जी हम अदालत में पेश होने के लिए तैयार हैं, हम इनकारी नहीं हैं, हम अदालत में पेश होने के लिए इमरान खान साहब तैयार हैं। अब हुकूमत का फर्ज है कि वो इमरान खान साहब को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करे ताकि आसानी पैदा हो जाए। सर उसके बारे में भी इस फैसले में लिखा है सर कि जिस दिन आपने पेश होना था उसी दिन लाहौर में खान साहब रैली कर रहे थे, इसको भी अदालत ने, इस पर भी डिस्प्लेशर शो किया आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कि भाई आप उस वक्त रैली कर रहे थे और हमें आपने सिक्योरिटी के बारे में कहकर अदालत में पेश नहीं हुए आप। देखिए रैली जो हमने थी वो हमने डेट्स दी थी, एक डेट दी थी मुलतवी करनी पड़ी, दूसरी डेट दी कॉल ऑफ करनी पड़ी, क्यों कि मामलात हमें खदशा था कि बिगड़ ना जाए। ठीक, फिर रैली की हमने और रैली भी हमने कोशिश की कि जितना पॉसिबल हम उनको सिक्योर कर सके हमने किया। अब सिक्योरिटी का लैप्स तो देखा जाए, जो लाहौर की इंतजामिया का रवैया था, एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें खतरात हैं, दूसरी तरफ जहां से इमरान खान की गाड़ी गुजरती है आप स्ट्रीट लाइट्स बंद कर देते हैं, अंधेरा घुप हो जाता है, ये तो आप ओपन फील्ड दे रहे हैं उन अनासिर को जो हमलावर हो सकते हैं, जो उनको निशाना बना सकते हैं। ये काहे का मुझे समझ नहीं आती, ये मंतक क्या है, ये अपने गले क्यों एक नया अजाब किसी को भी ये मंतक समझ नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, ये मंतक किसी को भी समझ में नहीं आ रही। और सबसे अफसोस की बात यह है कि राणा सनाउल्लाह साहब की जो जबान है, उनकी जो लैंग्वेज है, जिस तरह वो धमकियां लगा रहे हैं, इससे वो कोई पीडीएम हुकूमत या अपनी हुकूमत के हक में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर आप वजीरे दाखिला हैं, आपके पास ताकत है, आपके पास इख्तियार है, और अगर आप अपनी कुर्सी को इस्तेमाल करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर इस किस्म के ऑब्नॉक्शियस धमकियां लगाएंगे, तो फिर तहरीक इंसाफ के खदशों को ज्यादा तकवीत मिलती है।